बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कन अब्दुआ या कन अस्ताइन अस्सलामुअलैकुम। तो अब फाइनली चीज़ें उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं जहां पर से पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अरूज का आगाज़ होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी कबीना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम जमा करवा दी गई है कि पाकिस्तान में भी अब इस्लामी सदारती निज़ाम लाया जाए। और ये जो अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग्स है और ये जो अपोजिशन की हटधर्मी है इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो पाकिस्तान को अंदरूनी और बरूनी दोनों चैलेंजेस से महफूज करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम आ जाता है और इससे अपोजिशन को बहुत ज़्यादा मसला होगा और अपोजिशन के साथ साथ उन लोगों को भी जिन्होंने बेशुमार करप्शन की है और इस वक्त वो हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए हैं। करप्शन हुकूमती नुमाइंदों ने भी की है अपने पिछले दौर में और अभी भी बहुत से लोग करप्शन में मसरूफ़ हैं और अपोजिशन की तरफ से भी बहुत से लोग हैं जो करप्शन जिन्होंने की हुई है। तो अगर पाकिस्तान में इस्लामिक सदारती निज़ाम आता है तो जो इमरान खान है वो क्लियरली इन पर हाथ डाल सकते हैं और इमरान खान को फिर किसी किस्म की कोई ब्लैक मेलिंग या किसी किस्म की कोई हटधर्मी या किसी किस्म की कोई एहतजाज या NRO या किसी किस्म का इमरान खान पर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस निज़ाम को लाने में ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मुखालफत होगी बल्कि बाहर के ममालकों से भी बहुत ज़्यादा मुखालफत होगी और इस सदारती निज़ाम को नाकाम करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी हालिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इसराइल के बारे में बयान दिया है और जो उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं इसराइल को तस्लीम करता हूँ और जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है तो इसके मुतल्लिक मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँ, तो इससे ना सिर्फ इसराइल बल्कि मिडल ईस्ट और मगरबी ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये इंसान अल्लाह को जवाब दे, आप जब बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि हम उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को, मैं तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ पर पाकिस्तान अब जिस पोजीशन पर आ चुका है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बन सकती है और वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आए या पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान अब जिस पोजीशन पर आ चुका है और इमरान खान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है तो इससे यही तो पाकिस्तान भी अब उसी पोजीशन पे चला गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि हम तो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है इसराइल को तस्लीम करने पर क्योंकि इसराइल ने वो उन तमाम ममालिक को जो आइंदा वक्त में इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखते थे उनको आहिस्ता आहिस्ता वो अपने साथ लगाना शुरू कर दिया और अब पाकिस्तान भी उन मेन ममालिक में शामिल है जो कल को इसराइल के साथ अगर पाकिस्तान की जंग होती है तो पाकिस्तान बहुत ईजीली इसराइल को इंशाल्लाह शिकस्त दे सकता है। तो अगर सदारती निज़ाम आता है जैसा कि आप चीन में देख लें, तुर्की में देख लें, तो अगर ऐसा निज़ाम आ जाता है तो इस अपोजिशन की जो ब्लैक मेलिंग है और अपोजिशन जो NRO का मुतालबा करती है जैसे कि अभी FATF की कंडीशंस है और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदरूनी मसला नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की सलामती को मसला है। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो इन लोगों ने हुकूमत कहाँ पर करनी है? तो ये लोग जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है वो कहते हैं कि ठीक है हम हुकूमत का साथ देते हैं FATF
के जो बिल्स हैं उनको मंजूर करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत हमारी कंडीशंस को माने। और उनकी कंडीशंस क्या है कि नैब को ख़त्म किया जाए, और दबे लफ्जों में उनका कहना यह है कि हमें क्लियरली तौर पर NRO दी जाए, और हमने जो पैसा इस मुल्क का लूटा है हमें आसानी से उसको इजाज़त दी जाए कि जी ठीक है आप इसको बाहर ले जाएं। तो इसके लिए आप अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है या वज़ीर-ए-आज़म इसमें कामयाब हो जाते हैं कि वो सदारती निज़ाम ले आते हैं, तो इससे अपोजिशन हुकूमती बेंचेस पे बैठे करप्ट लोग और बाहर के जो ताकतें हैं वो इसको पहली तो बात है कामयाब नहीं होने देंगी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर कामयाब होगा। और अगर ये कामयाब होता है तो इससे पाकिस्तान को मुल्की तौर पर, पाकिस्तान को माशी तौर पर, पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी तौर पर, पाकिस्तान को सफारती तौर पर, इंशाल्लाह हर महाज पर पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान की और हम सब की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन।